आपको बता दें, खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां गणतंत्र दिवस से पहले बीएसएफ और पुलिस मुस्तैद हो गई है। गणतंत्र दिवस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट है। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। बीएसएफ का सर्द हवा ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एक सप्ताह तक सर्द हवा ऑपरेशन चलेगा। पंजाब चुनाव को लेकर तस्करी बढ़ने की आशंका है, इसलिए बीएसएफ की खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क है। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह ने सरहद की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि एसपी के निर्देशन में पुलिस रात में भी सघन नाकाबंदी कर रही है और बाहरी नंबर की गाड़ियों की बारीकी से जांच की जा रही है। विजिट करते हैं ऐसे मौके पे, और एज ए डीआईजी मेरे को अभी मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जवानों के साथ अपना जो है समय बिताऊं बॉर्डर पे, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं और उनकी कोई समस्या है उसको सॉल्व करें, और साथ साथ में वो कितने अलर्ट हैं उनको मोटिवेट करें, उनका मोराल हाई रखें, और पर्टिकुलरली जब इस तरह का वेदर हो, फॉग हो, तब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उनका ड्यूटी आवर्स बढ़ जाता है, और उस वक्त जो है फिर हम लोग सीनियर ऑफिसर मिलके कमांडेंट्स के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम एरिया को डोमिनेट करें। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता सुरेंद्र डेलू फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर। जी उमंग, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बीएसएफ बॉर्डर पर पूरी तरह अलर्ट है। वहीं बात करें तो बीकानेर जिले के थानों की पुलिस सड़कों पर नाकाबंदी कर पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है। गणतंत्र दिवस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह अलर्ट है। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। इस समय बीएसएफ का सर्द हवा ऑपरेशन भी चल रहा है। एक सप्ताह तक ऑपरेशन चलेगा। इस पूरे ऑपरेशन की कमांड डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ संभाल रहे हैं। वहीं कमांडेंट हेमंत यादव भी मौके पर मौजूद है। दूसरी ओर देखा जाए तो पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर तस्करी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बीएसएफ की खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। बात करें तो बीकानेर के जिला एसपी के निर्देशन में सभी थानों की पुलिस को भी रात्रि को नाकाबंदी के आदेश दिए गए हैं। पुलिस थानों से बाहर निकलकर सड़कों पर नाकाबंदी करती है। बाहरी नंबर की गाड़ियों को बारीकी से चेक किया जा रहा है। आने वाले जाने वाले के एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है, कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां जा रहा है। इस समय इस सभी पुलिस और बीएसएफ गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, और जहां बीएसएफ सरहद पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने को लेकर पूरी तरह चौबंद है, तो पुलिस थाने की जो पुलिस है, कप्तान के जो आदेश है उसके हिसाब से बाहर निकलकर सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, नाकाबंदी की जा रही है। दिन में भी पुलिस की नाकाबंदी होती है, वही रात में भी नाकाबंदी होती है। जी उमंग जी, बिल्कुल सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।